फतेहपुर में दबंगों की मनमानी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है और इसका खामियाजा एक गरीब परिवार भुगत रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवास को बनाने में ये दबंग लोग परेशानी खड़ी कर रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित पक्ष द्वारा मकान बनाए जाने पर दबंग धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहे और इसी कारण अब पीड़ित परिवार जर्जर मकान में रहने को मजबूर हो गया है। समाधान दिवस पर सुनवाई न होने के बाद पोर्टल पर भी न्याय की गुहार लगाई गई थी, पर अब न्याय न मिलने पर पीड़ित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। चांदपुर थाना क्षेत्र के इटरा गांव का ये पूरा मामला है। मैं और मेरे तीन भाई और मेरी माता जी परिवार सहित एक ही घर में रहते हैं, जो पुराना है, बहुत पुराना है, जो कच्चा है। उसमें मेरी माता जी के नाम आवास आया है, जिसे मैं घर का एक कोना गिरवा करके बनाना चाहता हूँ। जो गांव के ही रमेश सिंह, मुनिया सिंह और अनिल सिंह मुझे बनाने का सजेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बनाओगे तो मोहल्ला छोड़ देंगे। और मैंने चौकी गया तो वहाँ पर सुनाई रहेगी और समाधान दिवस में मैंने एक अप्लीकेशन लगाई, जिसमें मेरा मुझे SDM साहब के तहत ये कहा गया कि मैं बनवा सकता हूँ, क्योंकि वो आवासीय जमीन है। अगली खबर कानपुर से है, जहां प्रेम संबंध के चलते प्रेमी जोड़े ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, दोनों प्रेमी प्रेम संबंध के चलते शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की जातियां अलग होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी। हालांकि दोनों के शवों को खेत में पड़े देख ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं युवक और युवती के परिजनों की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है। आज दिनांक 11 जुलाई 2022 को सुबह लगभग 6:30 बजे एक कालर ने 11वीं को सूचना दी कि ग्राम नंदरा थाना सिकंदरा जनपद कानपुर देहात के पास सर्वेश रैदास के खेत में दो डेड बॉडी, जो एक लड़के और एक लड़की के हैं, मृत अवस्था में हैं, पड़े हुए हैं। उक्त सूचना पे थाना सिकंदरा की फोर्स मौके पे पहुंची और फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया और मुआयना कराया गया। प्रथम दृष्टया मामला जहर खाकर आत्महत्या करने का है, जिसकी पंचनामा कराकर डेड बॉडी को जिला अस्पताल माती भेजा गया है और इसमें आवश्यक। मिर्जापुर जिले में विध्यांचल थाना क्षेत्र के बिरोही गांव में बीती रात जमीनी विवाद में चली गोली में दो लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल राजेश यादव की उपचार के दौरान वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई, जबकि चंद्रशेखर का इलाज चल रहा है। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विध्यांचल से मंडलीय अस्पताल फिर वाराणसी रेफर किया गया था। दरअसल कुछ लोग JCB से मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। जानकारी मिलने पर राजेश यादव अपने भाई चंद्रशेखर यादव के साथ खेत पर गए और खुदाई कर रहे JCB और ट्रैक्टर्स देखकर मना करने लगे, लेकिन विपक्षियों ने उनकी एक ना सुनी, खुदाई का काम जारी रखा। साथ ही मारपीट करने पर उतारू हो गए। इसी विवाद के बीच बात फायरिंग तक आ गई और दो लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।